हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इतना परफेक्ट और कम सामानों में मार्केट जैसे रसगुल्ले बनाने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए आप लोग। तो यहाँ पर मैं पैन में एक गिलास के बराबर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ये इस तरह इतना ही फैला हुआ बर्तन आप लोग यूज़ कीजिएगा चाशनी बनाने के लिए। इसी के साथ मैं कटोरी से 2 कटोरी के बराबर चीनी ऐड कर दे रही हूँ। उसी के साथ 2-4 इलायची को कूट करके इसमें ऐड कर देते हैं ताकि इससे थोड़ा टेस्ट और बढ़ जाता है रसगुल्ले में। मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी तैयार नहीं करना है, मुझे दम पतला जो हाथ से दम हल्का चिपचिपा हो, बस इस तरह से मुझे चाशनी को तैयार करना है। ज़्यादा गाढ़ी अगर चाशनी बना लेते हैं ना तो मेरे रसगुल्ले के अंदर ये जूसी जूसी मेरे रसगुल्ले नहीं बन पाएंगे, अंदर नहीं सूख पाएंगे। उसी के साथ मैंने यहाँ पर 1 कटोरी भर करके खोया और आधा से भी कम मैंने छेना ली हूँ। छेना को अच्छे से मसल लेना है और मसलने के बाद इसमें मैं खोया को भी ऐड करूँगी। खोया को भी अच्छे से इसमें मिला लेना है। खोया को अच्छे से मिलाने के बाद और अच्छे से इसे भी मसलना है। काफ़ी जितना अच्छे से इसको मसलेंगे स्मूथली तरीके से उतना ही अच्छे मेरे रसगुल्ले बन के रेडी होंगे। तो किसी के साथ मैं अभी से इतना हो गया, सारा डो मेरे एक में मिल गया है, छेना खोया सब कुछ। तो उसी के साथ मैं यहाँ पर भर भर के 2 चम्मच मैदा ली हूँ। बहुत ज़्यादा मैदा नहीं लेना है, उससे भी रिजल्ट ख़राब हो जाता है। उसी के साथ 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पर बेकिंग पाउडर ली हूँ। बेकिंग सोडा कभी मत कीजिएगा रसगुल्ले बनाते समय, बेकिंग पाउडर ही यूज करना है। अभी से हल्के हल्के हाथों से धीरे धीरे करके मसल लेना है और एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना है मुझे। जब हल्का जब टाइट लगे तो उसमें दूध या पानी हल्के हल्के हाथों से फुरहेरा के साथ में इसे मसलना है। अगर हम लोग जिस तरह से आटा गूंथते हैं ना, तो जितना सॉफ्ट होता है उससे भी मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट है रसगुल्ले के लिए डो तैयार करना है। देखिए, जो हाथ के जो पीछे की जो तली होती है ना, उसी के सहारे से आप इस तरह से अच्छे से मसलना है, एकदम चिकना कर देना है रसगुल्ले को, ताकि जिस शेप में देना उस शेप में ही बन के रेडी हो जाए, कहीं से दरार ना पड़े। देखिए, मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ गोल करके। देखिए, अगर हम गोल करते हैं तो काफ़ी आराम से गोल भी हो जाएगा और कहीं से दरार भी नहीं पड़ेगा, काफ़ी चिकना है। लंबा करना चाहे तो लंबा भी हो जाएगा। देखिए, इसी के साथ में एक एक करके सारे लड्डू की तरह तैयार कर लेंगे। हाथ पर ये अच्छे से गोल नहीं हो पाता है, तो किसी बर्तन पर रख करके इसे हाथ से गोल गोल करेंगे ना, वो काफ़ी अच्छे से गोल होता है। देखिए, करके सारे मैं लड्डू को इस तरह से तैयार कर लेती हूँ अपने रसगुल्ले को, और एक पैन बैठा करके यानी कढ़ाई बैठा करके उसमें रिफाइन ऑयल को डाल देते हैं। जैसे मैं रिफाइन ऑयल हल्का गर्म हो जाएगा, सारे रसगुल्ले को डालकर तल देना है। मुझे यहाँ पर दम जो तेल है ना, मुझे बहुत लो गर्म करके रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं, रसगुल्ले का रिजल्ट बहुत ख़राब होता है। इसलिए मुझे हमेशा फ्लेम को लो करके रखना है, जो हल्का जिस तरह दिख रहा है ना, हल्का हल्का तेल उबल रहा है उस तरह से। हाई कर देंगे ना तो उससे रिजल्ट बहुत ही ख़राब होता है रसगुल्ले का, वो अंदर से पक भी नहीं पाएगा, ऊपर से पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा और सही रिजल्ट नहीं निकल पाएगा रसगुल्ले का। तो मुझे फ्लेम को भी ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए, जैसे ही मेरे इस सुनहरा कलर में आ जाए तो फ्लेम को थोड़ा हाई कर दे, और हाई करने के बाद जिस कलर में लेना चाहते हैं, जैसे हल्का डार्क या लाइटली कलर, उस कलर में आप बना लीजिएगा इसको। यहाँ पर मैंने फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे डार्क करने के लिए। देखिए, मेरे रसगुल्ले भी काफ़ी परफेक्ट बने हैं, कहीं से दरार भी नहीं है। किसी किसी का होता है क्या कि दरार पड़ जाता है बीच में, तो सही रसगुल्ले नहीं होते हैं। मैं चारों तरफ से काफ़ी चिकना है और काफ़ी गोल गोल बने हैं, और अंदर तक पक चुके हैं ये। उसी के साथ मैं एक एक रसगुल्ले को निकाल लेती हूँ। मैं यहाँ पर जब चाशनी में इसे डालूंगी, निकालने के बाद ही तुरंत इसे चाशनी में डाला जाता है। जैसे मैं इसे चाशनी में डालूंगी तो चाशनी हल्का गुनगुना होना चाहिए, तो आप लोग पहले से चाशनी को थोड़ा गुनगुना करके रख लीजिएगा। चाशनी थोड़ा ज़्यादा बनाइएगा, मैं तो यहाँ कम बनाई हूँ। मैं ऐसे आप चाहे तो किसी और बाउल में भी निकाल के रख सकते हैं ताकि आपके पूरे रसगुल्ले अच्छे से डूब जाए, लेकिन मेरा चाशनी यहाँ पर कम हो गया है इसलिए मैं इसे थोड़ा तिरछा कर ले रही हूँ, ताकि सारे रसगुल्ले मेरे अंदर में रसगुल्ले में जितने चाशनी है सारे अंदर में जूसी की तरह से चूस ले और अंदर तक मेरा रस चला जाए। ये मेरा फर्स्ट रसगुल्ले है, और एक मैं डाल रही हूँ सेकेंड। मैं 2 रसगुल्ले डालूँगी, ये सेकेंड वाले हैं। मैं आपको सेकंड वाले कट करके दिखाती हूँ कि ये काफ़ी परफेक्ट बने हैं। मैं वो सारे तरीके से बनाई हूँ जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और ये जो सेकंड रसगुल्ले हैं ना, इसमें ज़्यादा बेकिंग पाउडर फ्लेम को हाई करके बनाए, उसका रिजल्ट देखिए किस तरह से है।
दोनों का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं कि खाने में कुछ अलग लगेगा, वैसा नहीं है, लेकिन सही नहीं बना है। जो सेकंड फर्स्ट वाला जो रसगुल्ले हैं छोटे वाले, वो देखिए ये काफ़ी परफेक्ट बना है और बाहर से भी काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है, अंदर से भी काफ़ी पक गया है। ये देखिए इसका कलर देखिए, और बाहर से भी दिखे थोड़ा मतलब अजीब टाइप से दिख रहा है, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दे करके बनाइएगा रसगुल्ले को। उसी के साथ मैं यहाँ पर अच्छे थोड़ा दिखने के लिए, डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर चांदी का वर्क लगा दे रही हूँ, ताकि देखने में अच्छा लगे, थोड़ा इसका भी खूबसूरती बढ़ जाए। उसी के साथ मैं इसे थोड़ा दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ, और इसे और अच्छा बनाने के लिए इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा जितना जो चाशनी रखी थी मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। देखिए मेरे रसगुल्ले बनकर रेडी है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।